यदि किसी भी व्यक्ति ने आपकी जमीन, किसी प्रकार की जमीन, चाहे वो प्लॉट, चाहे कृषि की जमीन, या मान लीजिए मकान की रजिस्ट्री जो है वो अवैध तरीके से करा ली है, या मान लीजिए मकान का बेनामा रजिस्ट्री करवा के आपको पैसे नहीं दिए हैं, या मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी है लेकिन विपक्षी अवैध तरीके से आपकी रजिस्ट्री खारिज करवाना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री कैंसिल करने का अधिकार जो है वो किसको है और किन कंडीशंस में आपके प्लॉट की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न का जवाब कि रजिस्ट्री कैंसिल करने का अधिकार किसको है, आपको किससे शिकायत करनी चाहिए और आपको किससे इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, यदि कृषि की ज़मीन है और उसकी रजिस्ट्री फर्जी तरीके से किसी ने करवा ली है, आपको वो रजिस्ट्री खारिज करवानी है, तो आपको SDM, DM, रजिस्ट्रार या तहसीलदार से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये लोग आपकी जो भी रजिस्ट्री हुई है, बैनामा हुआ है, उसे खारिज कर सकते हैं। बैनामा खारिज करने की पावर जो है वो SDM, DM, रजिस्ट्रार, तहसीलदार में से किसी को नहीं है। लेकिन एक कंडीशन इसमें क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपकी कृषि की ज़मीन कोई है और किसी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, तो कृषि की ज़मीन का दाखिल खारिज भी होता है, तो ऐसे में आप क्या कहते हैं कि तहसीलदार के यहाँ दाखिल खारिज रुकवा सकते हैं कि मानवर जो ये रजिस्ट्री हुई है, जो बैनामा हुआ है, ये फर्जी है, इसके आधार पर आप दाखिल खारिज न करें। इधर आपने तहसील में दाखिल खारिज रुकवा दिया और रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए आपको जो जिला न्यायालय है वहाँ पर भी आपको केस करना पड़ेगा रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए। तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिला न्यायालय को है, यहाँ पे DM, SDM, तहसीलदार, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कैंसिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो दूसरी प्रक्रिया होती है यानी कि दाखिल खारिज जो होता है वो रुकवा देते। तो इधर आपने पहली जो प्रक्रिया है वो कर ली कि दाखिल खारिज रुकवा दिया, उधर आपको रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आपको जिला न्यायालय जाना पड़ता है, तभी आपकी फर्जी जो रजिस्ट्री है, जो भी आपकी रजिस्ट्री है, वो कैंसिल हो सकती है। इधर दाखिल खारिज रुक जाएगा, उधर आपकी जो है वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। रजिस्ट्री कैंसिल तभी होगी जब आपके पास मजबूत साक्ष्य होंगे, जब आप न्यायालय को ये बता पाएंगे, ये साक्ष्य पेश करने पे जब आप मजबूत होंगे कि आपके जो भी रजिस्ट्री हुई है वो बिना पैसों के या किसी अवैध की व्यक्ति ने या शराब के नशे में या फर्जी तरीके से करवा ली है और आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है, तभी आपकी जमीन रजिस्ट्री जो है, जो भी जमीन की रजिस्ट्री है, वो कैंसिल हो सकती है। अन्यथा रजिस्ट्री बेनामा होने के बाद यदि मान लीजिए आपको DM को एप्लीकेशन देते हैं या पुलिस को एप्लीकेशन देते हैं या रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और है, यदि मान लीजिए फर्जी तरीके से, बिल्कुल फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है, तो यह पुलिस का मामला भी बनता है। पुलिस यहाँ पे 420 का मामला दर्ज करके और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है जिसने ये ज़मीन जो है वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।